पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। क्या करें आप? तू खोलो! आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें भ्रमित करके शौर्यबाणा को हमसे दूर करने की? और यदि आपकी और रानी सा की मिली भगत है, यदि आप दोनों ने मिलकर हमारे शौर्यबाणा को अगवा करने का प्रयास किया है, दुर्गा माँ की सौगंध, इस गलती का भुगतान आप दोनों को अपने प्राणों से करना होगा। रानी सा, आप इस तरह ध्रुव और शौर्यबाणा के साथ वन में भाग रही हैं। इतना बड़ा धोखा नहीं देना चाहिए था हमें। मुझे पता था तारा तुम आओगे। तारा चलो ना। तुम्हारे साथ चलने नहीं, शौर्य को तुम्हारे साथ जाने से रोकने के लिए आए। आप दोनों के इस षड्यंत्र का अंत यदि हमें रक्तपात से भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और ध्रुव, आज निशाना नहीं चूकेगा हमारा। तुम्हारी भावनाएं समझते हैं, परंतु तुम भी समझने का प्रयास करो ध्रुव। शौर्य बढ़ा के लिए उनके बाबा सही उनके पिता है। एक बार भूकंप ने तो हमारे राज्य को नष्ट कर दिया, परंतु शौर्यबाणा को ये बताकर कि उनके बाबा सा उनके पिता नहीं है, उनके जीवन में भावनाओं का भूकंप लाकर उनकी खुशियों को नष्ट नहीं करना चाहते थे हम। इनके लिए, इनकी खुशियों के लिए इसे नियति समझ कर स्वीकार कर लो। तुम तुम्हें जो सही लगा तुमने किया, अब मुझे जो सही लगेगा शौर्य के लिए मैं वो करूंगा। शौर्य मेरा बेटा है और मैं आज इसे लेकर जा रहा हूं। तुम नहीं रोकोगी मुझे? हम तुम्हारे प्राण नहीं ले सकते, तुम जानते हो, परंतु अब ये भी जान लो, अपने पुत्र का और उनके बाबा सा का भरोसा भी नहीं तोड़ सकते हम ध्रुव। उनका मान सम्मान हमारे लिए हमारे प्राणों से बढ़कर है, इतना याद रखना। तुम्हारे प्राण नहीं ले सकते तो अपने अवश्य लेंगे। रानी सा, क्षमा प्रार्थी है, हमने कितना गलत समझा आपको, आपकी निष्ठा को, आपके समर्पण को समझ नहीं पाए। तुम मुझे आज तो रोक लोगी तारा? पर हमेशा कैसे रोकोगी?
मेरा हक है इस पे, और मैं तारा आज नहीं तो कल इसे अपने साथ ले जाऊंगा। सही कहा तुमने, आज नहीं तो कल अवश्य इन्हें ले जाओगे। तो जाओ, हमारे किए की सजा है, हम भुगते के, हम भुगते के, हम भुगते के। अपने प्राण त्याग कर, प्राण त्याग कर, यही नियति है, उस नियति को स्वीकारते हैं। हमें लगा आपने भी हमें धोखा दिया रानी सा, परंतु आपसे अधिक निष्ठावान और कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे कदम और बड़े ध्रुव, तो ये कटार हमारे अंदर होगी। ना आपको खरोंच आने देंगे रानी सा, और ना अपने शौर्य बना को अपने से दूर जाने देंगे। ये हमारा वचन है, और इस वचन को पूरा करने के लिए हम प्राण दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तीन तक कितने गिनेंगे? तीन, अपने प्राण ले लेंगे ध्रुव। दो, एक। नहीं, देखिए मीनाक्षी भाई साहब, आपकी सगाई का जोड़ा लाए हैं। भाईसा, ये पत्र कैसा है? देखिए, ये छोड़िए और ये देखिए। मीनाक्षी, संसार की सबसे सुंदर वधू लग रही हैं आप। इसे पहन कर जब आप ध्रुव जी के सामने जाएंगी ना, तो संयम नहीं धर पाएंगे। अभी इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, चले आप दोनों मारे साथ। हुँ? जी बाबू साहब। मीनाक्षी जी, ये चिट्ठी पढ़कर आपको बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, दिल दुखेगा। उस सब के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, पर मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। मेरे लिए वल्लभगढ़ का राजा बनना या इस नए रिश्ते में जुड़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने कुछ पुराने रिश्तों को नए अंदाज में निभाना। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हो? मुझे मेरा बच्चा भी ले जाने नहीं दे रही हो, खुद भी नहीं चल रही हो मेरे साथ। जीते जी मारना चाहती हो क्या? क्षमा करना, हमें वचन दिया है हमने शौर्य बना के बाबा सब, कभी शौर्य को उनसे दूर नहीं करेंगे। तुम्हारी पीड़ा समझते हैं, परंतु ये भी जानते हैं यदि महाराज शौर्य से दूर हुए, उनसे जुदा हुए, तो जीते जी मर जाएंगे। इतने वर्षों तक हमारा सच छुपाकर हमारा मान सम्मान बनाए रखा उन्होंने, हमारा भी कर्तव्य कि हम अपना दिया हुआ वचन निभाए।
ये हमारा दायित्व है ध्रुव। इस शौर्य का सच हम किसी और को पता ना चलने दे। पीछे नहीं हट सकते अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।